दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी मम्मी की रसोई में। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक टेस्टी वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं मेरे मम्मी के हाथ के स्पेशल भरवा बैंगन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आइए पहले हम बैंगनों को ऐसे क्रॉस करके काट लेते हैं। बैंगनों को आपको एकदम अच्छे से काट लेना है, और याद रहे बैंगन आपको ज़्यादा बड़े नहीं लेने, ऐसे छोटे छोटे गोल गोल बैंगन ही आपको लेने हैं। सारे बैंगनों को काटने के बाद अब हम इसके अंदर भरने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए पहले हमें कोकली में लहसुन, अदरक, हरी कटी मिर्च और सौंफ डाल देंगे, और इन सबको एकदम अच्छे से कूट लेंगे। दोस्तों जब आप इसे एकदम अच्छे से कूट लेंगे, फिर हम उसमें एक मुट्ठी प्याज डाल देंगे, और इसे भी फिर हम इसमें एकदम अच्छे से कूट लेंगे। चलिए हमारा अदरक लहसुन और मिर्च तो अच्छे से कूट चुकी है, आइए अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, अब डालेंगे 1/4 गर्म मसाला, 1/4 हल्दी, 1/4 अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आखिरी में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। दोस्तों सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा यानी कि 1 घूंट पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे। चलिए हमारा मसाला भी लगभग बनकर तैयार है, आइए अब हम इसे बैंगन में भर लेते हैं। देखिए हमें सारे बैंगनों को इस मसाले से कुछ इसी तरह भर लेना है। लीजिए दोस्तों हमारे सारे बैंगनों पर मसाला लग चुका है, आइए अब हम इन्हें पकाना शुरू करते हैं। पहले हम फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल के अच्छे से गर्म होते ही हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, और साथ ही में इसमें हमारी बची हुई कटी प्याज़ों को भी ऐड कर देंगे। और दोस्तों जैसे ही हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती है, हम तुरंत ही उसमें हमारे बैंगनों को ऐड कर देंगे। सारे बैंगन ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। और दोस्तों जो हमारा बैंगन का मसाला बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें हमारे साबुत मसाले ऐड करेंगे। पहले हम इसके ऊपर 1/4 चम्मच हल्दी छिड़केंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर छिड़केंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, और आखिरी में 1/4 चम्मच गरम मसाला छिड़क देंगे। दोस्तों सारे मसाले अच्छे से छिड़कने के बाद अब हम इसे ढक देंगे, और करीबन 10 से 12 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और सारे बैंगनों को एकदम अच्छे से पलट देंगे। दोस्तों सारे बैंगनों को अच्छे से पलट के हम इसे एक और बार ढककर करीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और गैस फ्लेम को भी एकदम लो कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों बनकर तैयार है मेरी मम्मी की रसोई के स्पेशल भरवा बैंगन। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिखने में कितने ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, और ऑफकोर्स खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट होंगे। अगर आपको मेरी मम्मी की रसोई की आज की रेसिपी भरवा बैंगन जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुंचे।